और आज यहाँ पर बीएसपी पार्टी ने भी पौरी विधानसभा से अपना एक कार्यालय जो नरवर में है वहाँ पर खोला गया है। अब आपको हम बता दें कि पौरी विधानसभा से 3 प्रत्याशी लगातार त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है वहाँ पर, जो बीजेपी से सुरेश राठकेड़ा और कैलाश कुशवाहा जो कांग्रेस से हैं, और बीएसपी से प्रद्युम्न वर्मा है जो हम हमारे साथ में। पहले तो आपका सीटों में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप जनता के बीच में जा रहे हो, आज आपने कार्यालय उद्घाटन भी किया है, तो किन मुद्दों के लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। पौरी विधानसभा में पिछले कई सालों से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है सरकुला डैम का, जिसका कई बार उद्घाटन हो चुका है, पर आज तक उस उद्घाटन के बाद भी जनता के सीएम साहब सिंधिया जी ने, दोनों ने उद्घाटन किया, उसके बाद भी आज वो मूर्त रूप में नहीं आ पाया है। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य और शिक्षा, बहुत बुरी स्थिति है। आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो क्या लगता है यहाँ पर जनता, कितनी जनता यहाँ पर आपके साथ में समर्थन में है? देखिए, मेरे संग हजारों की संख्या में जनता समर्थन में है, और सभी वर्ग की, सभी सातों जात का समर्थन मुझे मिल रहा है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये चुनाव मेरा नहीं है, पूरी पौरी क्षेत्र की जनता का है, और मेरा चुनाव पूरी पौरी क्षेत्र की जनता लड़ रही है। शिवरी जिला कैसा चला है, जिसमें बेरोजगारी बहुत बड़ी बेरोजगारी है, लेकिन क्या कारण रहा कि पौरी विधानसभा मंत्री होने के बावजूद, पीरियड मंत्री होने के बावजूद भी वहां पर कोई ऐसा उद्योग नहीं लग पाया है जिससे बेरोजगारी से मुक्त हो जला? देखिए, मैं यही तो बोल रहा हूं कि ये विकास है, तो आपकी सरकार को, ये जनता को फैसला करना है कि उनको क्या करना है। तो क्या लग रहा है इस बार कितना बहुमत मिलेगा पौरी विधानसभा? पूरा बहुमत मिलेगा, और पहली बार इतिहास बनेगा कि पौरी से बीएसपी का प्रत्याशी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ में जो प्रद्युम्न वर्मा, जो यहाँ पर उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया, उनके साथ में जो कैरा विधानसभा से लगातार तैयारियां कर रहे जो सांदेस फले हैं, उन्होंने भी जनता के साथ में इतना जोर शोर से जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया है कि जनता उनके साथ ही दिखाई दे रही है। पहले तो आपका सीधा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या जो आप दोनों साथ में हो, कैरा और पौरी दोनों एक साथ में हो, क्या कारण है दोनों साथ में होने का? देखिए, करण और अर्जुन की दोनों की जोड़ी हो गई है, और अब बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाला है, और जो बेईमानों की लंका बनाई है उनकी लंका बहुत जल्दी ध्वस्त होने वाली। दोनों के लोगों के जो हमारे बीएसपी रूपी तीर चलेंगे तो उनकी जनता अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगी। यहाँ से दोनों विधायक बन के भोपाल जाने का काम करेंगे। राठकेड़ा जी बोल रहे हैं, जैसे प्रोसेस से विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, राठकेड़ा जी बोल रहे हैं कि वहाँ पर बेरोजगारी है, तो हमारी सरकार ने काम कम किया, बेरोजगार व्यक्ति कम है, तो इस पर क्या कहोगे? भाई, बेरोजगारी तो उन्होंने चरम सीमा पर फैला दी। आज का स्टंट देखिए आप लेगी कि बेरोजगारी का जो स्तर है ऊपर बढ़ जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। और कमलनाथ और जो शिवराज की सरकार रही है, उन्होंने बेरोजगार लोगों को तो ठगने का काम किया, चाहे हमारा अतिथि शिक्षकों का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ियों का मामला हो, चाहे हमारे किसान का मामला हो, इन लोगों के दोनों के साथ उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। तो मैं तो ये कहूंगा कि इनकी लंका को जल्दी आग लगाने का काम अगर कोई करेगा तो हम दोनों प्रत्याशी करेरा और पौरी विधानसभा के लोग करेंगे। इस बार बीएसपी की सीट निकलना तय? बीएसपी की सीट नहीं, सरकार बनेगी। बहुत धन्यवाद। देखा आपने क्या?